कृषि कानूनों की आड़ में कांग्रेस बड़े बड़े दांव खेल रही है। किसान आंदोलन में पैसे देकर किसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो अब किसानों के हितैषी बनकर कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी कर दी है, जिसमें किसानों को इन कानूनों से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। अपनी सियासी साजिशों को अंजाम देने के लिए कांग्रेस किसान आंदोलन को ढाल बना रही है। इस आंदोलन की आड़ में हरियाणा की बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर खेती का खून तीन काले कानून बुकलेट जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसान वास्तविकता जानती है, राहुल गांधी क्या करता है इससे सभी किसान अवगत हैं। भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं थे, मेरा कैरेक्टर साफ है, मैं न नरेंद्र मोदी से डरता हूं और न ही इन लोगों से डरता हूं। ये हमें छू नहीं सकते, हाँ गोली से मार सकते हैं, मैं देश की रक्षा करता हूँ और करता रहूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों पर तैयार किए गए बुकलेट में कृषि कानूनों से नुकसान और किसानों पर इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, पर कांग्रेस का मकसद किसानों को ढाल बनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना है। बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे अंजाम देना कांग्रेस का पुराना पैतरा है। एक तरफ किसान कानून पर बुकलेट जारी की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की आड़ में कांग्रेस बड़े बड़े काम कर रही है। कांग्रेस और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बीच 10 करोड़ रुपए में समझौता हुआ था कि किसान आंदोलन को ऐसे ही जारी रखा जाए और कांग्रेस इसका फायदा उठा सके। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राजनीतिक दलों के साथ दिल्ली में एक सम्मेलन किया था, जिसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था, पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की इस हरकत ने उन्हें अगली मीटिंग से बाहर कर दिया था। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी पर आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बुलाने और दिल्ली में सक्रिय हरियाणा के एक कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेसी टिकट पाने के चक्कर में पार्टी गिराने का काम कर रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ये महंगा पड़ गया। और अब एक और नई चाल, दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है, पर किसान आंदोलन को कांग्रेस की फंडिंग हो रही है, ये मामला साफ तौर पर उजागर हो चुका है और सारी चालें उल्टी पड़ चुकी हैं। कांग्रेस अपनी राजनीति की सियासत को बरकरार रखने के लिए किसानों को समर्थन दे रही है और उन्हें सरकार के खिलाफ बरगलाने की पूरी कोशिश में जुटी है। किसान कानूनों के नुकसानों को बताकर कोई फायदा न बताना कांग्रेस की राजनीति को साफ साफ दिखाता है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।